आपने कभी किसी मौके से ये शेर जरूर सुना होगा कि तंगदस्ती अगर जो गालिब तंदुरुस्ती हजार नेमत है। सच कहा जज गालिब ने, इंसान के पास पैसे हों लेकिन तंदुरुस्ती और सेहत साथ ना दे तो उन पैसों की उसकी नजर में कोई अहमियत नहीं होती। इस शेर को हकीकत में बदलने के लिए चारमीनार असम्बली हल्के में एक बॉक्सिंग क्लब तैयार किया जा रहा है, जिससे यहाँ के नौजवान एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हमेशा नौजवानों को सेहतमंद जिंदगी गुजारने की तलकीन की है। मजलिस का ख्याल है कि एक सेहतमंद समाज के लिए नौजवानों का सेहतमंद होना जरूरी है, जिसके लिए मजलिस चारमीनार असम्बली हल्के में एक बॉक्सिंग क्लब बना रही है, जिसका मकसद नौजवानों में स्पोर्ट्स से मुतालिक बेदारी पैदा करना और स्पोर्ट्स के मैदान में मुल्क हिंदुस्तान को अहम मकाम दिलाना है। इस बॉक्सिंग क्लब में नौजवान बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करेंगे और मुल्क और बैरून मुल्क में मुनक़िद होने वाले बॉक्सिंग के मुकाबले में हिस्सा लेंगे और दुनिया भर में हैदराबाद का नाम रोशन करेंगे। इस बॉक्सिंग क्लब के जरिए नौजवान अपनी कीमती वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए यहाँ प्रैक्टिस करेंगे और जो नौजवान बॉक्सिंग में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए ये बॉक्सिंग क्लब किसी नेमत से कम नहीं है। यहाँ एक माहिर ट्रेनर भी होगा जो नौजवानों को बॉक्सिंग से मुतालिक बारीकियों से आगाह करेगा और उनके मुस्तकबिल को रोशन करने में अहम किरदार अदा करेगा। ये बॉक्सिंग क्लब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर तामीर किया जा रहा है, ताकि असम्बली हल्के के नौजवान एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। इसलिए हैदराबाद पार्लिमानी हल्के की इस तरक्की को बरकरार रखने के लिए और हैदराबाद को मजीद तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए एक बार फिर से पतंग के निशान पर वोट डालकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाए।